क्या आप भी घर में पौधे लगाने के शौकीन हैं? पर हो जाइए सावधान, आज मैं आपको बताने वाला हूं घर में आपके ऐसे तीन तरह के पौधे या पेड़ नहीं होने चाहिए, वरना चारों दिशाओं से आए आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियां ही आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अपने घर को सजाने के लिए न जाने कितनी तरह की चीज़ें लगाते हैं। सुंदर सुंदर फूल हमारे मन को कहीं ना कहीं शांति प्रदान करती हैं, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी को कहीं ना कहीं दूर करती हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखने के लिए गार्डनिंग इत्यादि करते हैं। घर में पौधे या पेड़ लगाने का शौक रखने वाले लोग थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि घर में आपके कुछ खास तरह के पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, वरना घर में दुख, दरिद्रता अचानक से आपके जीवन में इसी तरह से आएंगी कि आपके जो जमा पूंजी धन है उसको खराब करेंगी, साथ ही साथ आपकी सेहत और घर की सुख शांति सबको ही कहीं ना कहीं ले डूबेगी। तो अब आपको पहले ये समझना है कि घर और जो बाहर के पौधे हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। हम घर में वो पौधे बिल्कुल भूल के भी ना लगाएं जो कि पौधे एक वीरान जगह के होते हैं, जंगलों के होते हैं या ऐसी जगह के होते हैं जो पौधे हमारे एक सोशल लाइफ में कहीं भी हमें अच्छे नहीं हैं, और घर में लगाना कहीं ना कहीं हमारे लिए उस तरह की नकारात्मकता को लेकर आ जाएंगे जो कि उस जंगल या फिर जो बेजान जो चीज़ें होती हैं या फिर एक बीहड़ जो चीज़ें होती हैं वहाँ का असर हमारे घर में लाती हैं। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि घर और जो हमारी रिहाइश होती है और बाहर के पौधों में फ़र्क क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर मंदिर के बिल्कुल बगल में है तो वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा? क्योंकि मंदिर में समय समय पर आयोजन वगैरह होते रहेंगे और मंदिर में जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में लाएंगी परेशानियाँ, क्योंकि मंदिर में स्पीकर बजेगा, सब कुछ होगा, तो उसके घर की सुख शांति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। और मंदिर के साथ रहने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ दोष रहते हैं, क्योंकि उन नियमों का पालन नहीं हो पाता जो मंदिर के साथ या मंदिर के परिसर में रहने पर किया जाता है। घर में ही आप नहाओगे, धोओगे, सब काम करोगे, अपने गृहस्थ जीवन को भोगोगे, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष क्रिएट कर देगा। घर में जिस लोगों के पीपल या बरगद होता है वो भी परेशान रहते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जाएँ उनके घर में हमेशा प्रवेश करती रहती हैं। जब किसी ऊर्जा को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिलता वो तो पीपल या बरगद पर ही जाती हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा और ये अनुभव भी किया है। अब सबसे पहले ये समझिए कि घर आपका रिहाइश है, जहाँ पर आपको उस तरह के पौधे लगाने हैं जो घर के अनुकूल हो, रिहाइश के अनुसार हो। ये नहीं कि आप जंगलों के या फिर रेगिस्तान के इस तरह से कहीं के पौधे लेकर आ जाओ, कहीं अमेज़ॉन के जंगल के मंगा रहे हैं, कहीं उधर के मंगा रहे हैं, इधर के मंगा रहे हैं। ऐसी जगह जहां पर बस्तियां या फिर लोग ना बसते हों और उस जगह के पौधे लाके आप अपने घर में लगाओगे तो उसी तरह की ऊर्जा आपके घर में भी आएगी। मान लीजिए आप बीहड़ जंगल का कहीं पर लाकर कोई पौधा लगाते हो तो आपके घर में भी उसी जंगल तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो क्रिएट होना शुरू होंगी। जंगल जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, जहाँ पर तरह तरह के सांप, बिच्छू या अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं और सब के सब जहरीले होते हैं, कहीं ना कहीं उस जहर का प्रभाव हमारे भी मन पर आता है, उस जहरीली चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर मन पर आता है। जब बात की जाती है घर में वो पौधे आपके नहीं होने चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध पौधे जो हैं उनकी चर्चा समझिए। सबसे पहला पौधा या पेड़ है आपके घर के बाहर किसी भी तरह से बेर का पेड़ या बेर का पौधा, बेरी जिसे हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं शिवरात्रि के दिन, वो नहीं होना चाहिए। बेरी एक ज़बरदस्त तरह का व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल बद का प्रभाव देती है, और मंगल बद वो मंगल बद होता है जो घर में बीमारियां, दुख, दरिद्रताएं और परेशानियां ही लेकर आता है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में या दूसरे पेड़ के बारे में, वो है किसी भी तरह से कांटे वाला पौधा, चाहे वो नींबू हो, माल्टा हो, गलगल हो या किसी भी तरह का ऐसा फलदार पौधा जिसमें कांटे आते हों, तो आपके घर के परिसर में या घर की दीवार के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसी तरह की खटास और उसी तरह का तीखापन आपके जीवन में रहेगा। ये केतु संबंधित पौधे होते हैं और बुध और केतु का मेल होता है, इसलिए ऐसे पौधों को घर में मत लगाएं। अब वो तीसरा पौधा या पेड़ है वो है बकायन का पौधा, जिसे हम डेक कहते हैं, बकायन या डेक। आपके घर के बाहर बकायन या डेक होगी तो हमेशा आपके घर पर एक वास्तु दोष की शंका हमेशा बनी रहेगी, उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा, आपके घर में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि ये डेक का जो पौधा है एक मंगल बद, नेगेटिव मंगल का कहीं ना कहीं असर देता है।
अब ये मंगल बद और मंगल नेक में फ़र्क क्या होता है? मंगल नेक आपका दोस्त है, मंगल बद आपका वो दुश्मन है जो चारों दिशाओं से आपको परेशान कराता है, लोगों से झगड़े करवाता है, आपको बीमारियां या डिप्रेशन या एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या डर देता है, घर की संतान को पनपने नहीं देता है। और जो लोग कहते हैं कि आपके घर के बाहर नीम का पेड़ होना भी नुकसानदायक है, ये सरासर गलत है, क्योंकि नीम का पेड़ ही एक मंगल नेक है, आपका दोस्त है। जिनके घर के बाहर भी नीम का पेड़ है, उनके घर की सब परेशानियां वो नीम का पेड़ लेता है और उनके घर में एंटर नहीं होने देता है। वो बात अलग है कि उनके घर के कुछ ना कुछ दोष जो परेशानियों को थोड़ा बहुत उनके जीवन में आने देते हैं, पर मुख्य रूप से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ वो नीम का पेड़ अपने ऊपर लेता है। और नीम के पेड़ की सेवा करना उनका दायित्व बनता है, क्योंकि वो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा गार्ड है, उसका ध्यान रखना यानी कि उस पेड़ पर जल इत्यादि देने से उनका एक मंगल शुभ होता है। जब कभी भी खून की खराबियां होती हैं तो नीम युक्त चीज़ें लेने के लिए कहा जाता है, जैसे कि नीम का अर्क, नीम का जूस, निबोली या नीम के पत्ते, नीम के छाल को उबाल कर लेने का उपाय। ये सब इसीलिए कहा जाता है कि मंगल बद के प्रभाव दूर हों, क्योंकि मंगल बद होता है खून की खराबी, और खून को शुद्ध करने वाली जो चीज़ है नीम, इससे आपका मंगल पॉजिटिव इम्प्रूव होता है। अब हम बात करते हैं वो कैक्टस के पौधे के बारे में। आप अपने घर में कैक्टस भी लगाते हो, कैक्टस नहीं लगाना है, चौड़े पत्तों वाले पौधे, जैसे कि आप अपने घर के परिसर में कहीं पर भी केले का पौधा या केले का पेड़ आप लगा देते हो, ये भी भूल के मत लगाइए। कैक्टस का जो पौधा है जो लगाया जाता है वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ सूखा रहता है, और ये सूखापन आपके भी व्यवहार में कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। तो इस सूखेपन को दूर करिए और अपने घर से ये सब पौधे निकाल के बाहर फेंकिए। अब लगाने कौन से पौधे हैं, लगाना चाहते हो तो अपने घर में आप लगा सकते हो अपराजिता, या फिर आप तुलसी माता लगा सकते हो, गेंदा लगा सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट बात की जाए तो वो है सूरजमुखी का पौधा। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर अपने घर में लगाइए तो आप अपने घर में अनेकों दोषों से मुक्ति पाओगे। ये पितृ दोष या घर में किसी भी तरह से ऊपरी बाधा, सब चीज़ों से आपकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रभाव जहाँ रहता है वहाँ पे नकारात्मक चीज़ें वास नहीं करती हैं। अंधेरा यानी कि शनि और उजाला यानी कि सूर्य, तो सूर्य जैसा प्रकाश, सूर्य जैसा तेज और सूर्य जैसी गर्मी आपके अगर व्यक्तित्व में रहे, आपके जीवन में रहे, तो आप अनेकों चीज़ों से लड़ पाओगे। अंधकार यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन और न जाने कितनी तरह की बुरी शक्तियाँ, तो आप इन दोनों में से क्या लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने घर में इस तरह के थोड़े सुधार करिए। जंगली पेड़ पौधे जितने भी हैं सब निकाल के बाहर करिए। अब ये कुल मिला के जो चर्चा हो रही है ये बुध की हो रही है। बुध यानी कि पेड़ पौधे जो भी होते हैं ये सब बुध होते हैं, हरियाली जितनी होती है ये बुध होती है। कई बार लोग अपने घर की छत पर गमले रखकर फूल पत्ते लगा देते हैं, तो ये काम मत करिए। चाहे तो आप अपनी बालकनी में रख लीजिए, लटका लीजिए, जो मर्जी, पर अपनी छत को कभी भी इस तरह से फूल पत्तों वाला मत बनाइए, वरना बुध आपका छत पर यानी कि 12वां घर कुंडली का होता है, यहाँ पर आ गया तो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, घर में क्लेश, धन का नुकसान, बीमारियाँ हमेशा लगा के रखेगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी WhatsApp कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी WhatsApp कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब आपको लगता है कि बुध की खराबियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, बुध यानी कि नेगेटिव आपकी ज़ुबान, आपको लगता है कि आप किसी से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, आपका बोलचाल उतना इम्प्रेसिव नहीं है, अपीलिंग नहीं है, किसी से भी आप बात करते हो आपको इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए बुध को सही करने के लिए इस तरह से एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला अपनी सबसे छोटी वाली उंगली जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं उसमें पहनना है। पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए स्टेनलेस स्टील का छल्ला तो है पर कहीं पर भी कोई कट या टाँका नहीं लगा हुआ है, ये एक स्टेनलेस स्टील की रॉड में छेद करके इस तरह से छल्ला बनाया जाता है, और छल्ला चमकदार इस तरह से होना चाहिए ताकि आपका बुध भी
आपको चमकदार जीवन में असर देता रहे। बुध के दो ही मित्र हैं जबरदस्त, जो बुध की खराबियों को दूर करते हैं। एक तो है शनि और दूसरे हैं सूर्य। ये स्टेनलेस स्टील यानी कि फौलाद जिसे हम कहते हैं, इससे शनि की मदद मिलेगी। और इस तरह से तांबे के छेद वाले पैसे में अगर आप ऐसे हुक लगवा के इसे आप गले में धारण करते हो तो आपको सूर्य और बुध का एक मेल यानी कि एक कॉम्बिनेशन के तहत ये उपाय होता है, जिससे कि बुध की जो भी रही बची खराबियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। आप कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा काम करते हो जो आपकी ज़ुबान से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, किसी तरह के जोड़ घटाव से जुड़ा हुआ है, जैसे कि शेयर मार्केट या बिजनेस इत्यादि, तो आपको ये दो उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। इन उपायों से आप बिल्कुल ही तुरंत ही अपने बुध में एक अलग सा निखार पाओगे। अपनी ज़ुबान, अपने कॉन्फिडेंस, अपने व्यवहार में ही एक अलग लेवल का ही आप अपने जीवन में एक निखार पाओगे, बदलाव पाओगे, और जो भी दिमागी परेशानियां हैं वो भी दूर रहेंगी। इन उपायों को करिए और इन बातों को ध्यान दीजिए, देखिए जीवन कैसे संवर जाएगा।